Very good morning, student. This is a computer subject, so take out your computer book and copy for the completed revision work. Okay, बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, all subject में आपके revisions कराए जा रहे हैं. तो बच्चों, आज से हम सभी revision करेंगे computer subject में. आइए start करते हैं बच्चों. देखते हैं revision 1. ये मिलेगा आपको page number 41 पर. और revision 1 में आपके लिए है right T for true and F for false statement. जो statement right है उसके लिए आप ट्रू का यूज करेंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए आप फॉल्स का यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट, आपने इसे ऑलरेडी अपनी बुक में कर लिया है. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो यहाँ से देखकर कंप्लीट करेंगे. और बच्चों याद रहे, आपको ये रिविजन्स अपनी कॉपी में ही करना है. आइए स्टार्ट करते हैं. यू कैन चेंज फॉन्ट योर टेक्स्ट एज पर योर चॉइस. ट्रू. सेंटेंस केज हेल्प अस टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू कैपिटल फॉर्म. ट्रू. द शॉर्टकट की टू print a documents control plus yes false. paste and cut commands are used to save the text in a document. false. a text could be aligned in four ways. true. okay, to next dekhte hain bachcho. ye milega bachcho aapko page number 64 par, jaisa ki yahan par. okay bachcho, agar aap 1 2 likh rahe hain to yahan par aapka number 6 hoga, aur agar aap abcd likh rahe hain to yahan par aapka a ke baad f aayega. okay. स्लाइड्स और डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. ट्रू. द स्लाइड्स नंबर रिफ्लेक्ट द पोजिशन ऑफ द स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन. ऑल्सो ट्रू. ओके, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट. क्लिप आर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू कॉल अटेंशन टू द टेक्स्ट. ट्रू. द स्लाइड प्रेजेंटेशन अ पेज इन स्लाइड्स. ट्रू. फोर्थ में भी ट्रू ही होगा बच्चों. एंड लास्ट है द डॉटेड रेक्टेंगल ऑन द स्लाइड इज कॉल्ड स्लाइड बार. फॉल्स. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपका क्या है बच्चों, रिविजन 1 है और आपको इसे अपनी कंप्यूटर की कॉपी में लिखना है. नाउ विल बी सी रिविजन 2. दिस इज आर रिविजन वर्क 2. फिल इन द ब्लैंक्स. वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन दैट इज सुटेबल फॉर WW. फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है, इंफॉर्मेशन. सेकेंड, हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विथ, क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपर लिंक. ओके, सेकेंड में आपको हाइपर लिंक फिल करना है. देन URL इज एड्रेस ऑफ वेबसाइट. थर्ड में आपको वेबसाइट फिल करना है. फोर्थ देखेंगे, इज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. फोर्थ में आपको क्या फिल करना है बच्चों, वेब पेज. एंड लास्ट, इंटरनेट इज यूज बाई मैनी पीपल टू गेट नॉलेज. लास्ट में आपको क्या फिल करना है, नॉलेज. देखते हैं बच्चों नेक्स्ट. ओके बच्चों, ये भी आपका रिवीजन 2 है और यहाँ पर भी आप जैसे रिवीजन 1 में नंबरिंग किया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नंबर 6. अगर आप ABCD लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एफ आएगा. इंडिकेट दैट द कंप्यूटर ऑप्टेंस डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट. फर्स्ट में आपको क्या फिल करना होगा बच्चों, इनपुट एंड आउटपुट. सेकेंड, फ्लो चार्ट हमारा किस फ्लो में होता है, टॉप टू बॉटम होता है, तो सेकेंड में आपको क्या फिल करना है, टॉप. थर्ड, डैश रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. थर्ड में आपको क्या फिल करना है बच्चों, फ्लो चार्ट. ओके, फोर्थ देखते हैं. ऑल बॉक्सेज ऑफ द फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड विद एरोज. फोर्थ में आपको क्या फिल करना है, एरोज. एंड लास्ट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम. लास्ट में आपको क्या फिल करना है बच्चों, एल्गोरिदम. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपका रिवीजन 2 है. इसे भी आप बहुत अच्छी राइटिंग में कंप्यूटर की कॉपी में लिखेंगे. देखते हैं बच्चों रिवीजन 3. दिस इज अर रिवीजन वर्क 3. बच्चों रिवीजन 3 में सिंबल्स दिए हैं और इसके नेम दिए हैं. आपको एग्जाम में नेम्स दिए जाएंगे, आपको सिंबल बनाने होंगे, या सिंबल्स दिए जाएंगे, आपको नेम्स लिखने होंगे. तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंबल दिए हैं और उसके नेम दिए हैं, आपको वो लिखना है रिवीजन वर्क 3 में. तो आप फर्स्टली यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लो चार्ट सिंबल लिखेंगे, रिवीजन 3 लिखेंगे. ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप, ये है इसका सिंबल. इनपुट आउटपुट. थर्ड है प्रोसेसिंग डिसीजन. फ्लो लाइन्स एंड कनेक्टर्स. बच्चों आपने इसे ऑलरेडी एक्टिविटी में कंप्लीट किया है, लेकिन वहाँ पर आपने इसके बारे में भी लिखा है, डिटेल किया है. यहाँ पर आपको केवल सिंबल्स लिखने हैं,
सिंबल्स को ड्रॉ करने होंगे और उसके नेम्स लिखने होंगे रिवीजन 3 में। ओके स्टूडेंट, आई होप बच्चों आपको रिवीजन 1, 2, 3 अच्छे समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू।